सपा का प्रहार भाजपा कर रही है, केवल छुट्टे जानवर का विकास। सिद्धार्थ नगर जिले के विधानसभा डुमरियागंज के तिगुरवा में पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी ने सपा प्रत्याशी सैयदा खातून के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। राम प्रसाद चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार झूठे वादों के दम पर सत्ता में आई थी, एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी। महंगाई, बेरोजगारी से जनता परेशान है, मगर इसको हिंदू मुस्लिम करना है। उज्ज्वला योजना के तहत 2-4 महिलाओं को गांवों में गैस सिलेंडर दिया गया था और ये कहा गया था कि महिलाओं को लकड़ी के ईंधन पर खाना पकाती है तो उसके धुएं से इनकी आंखें खराब हो जाती हैं, मगर आज गैस के बढ़ी कीमतों की वजह से इन्हीं महिलाओं की आंखों में आंसू है, तभी आंसू क्यों नहीं दिखाई पड़ते। किसान आज परेशान है, खेती की बढ़ती लागत से उसकी कमर टूट रही है, मगर ये सरकार मदद करने की बजाय किसान के यूरिया खाद की बोरी से 5 किलो यूरिया ही कम कर दिया और पैसे पूरे लेते हैं। हमारी सरकार ने इनका दर्द समझा और हमारी सरकार बनने पर किसान को फ्री बिजली और खाद उपलब्ध करवाया जाएगा। हमारी सरकार 2-3 से पूर्ण बहुमत से बन रही है। खबर जगत के लिए सिद्धार्थ नगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। आपकी पार्टी अपने आप को इस चुनाव में कहाँ पे देख रही है? हमारी पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में। भाजपा कह रही है कि हमने आदमियों के लिए, गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, वो जुला योजना हुई। भाजपा जो कह रही है वो जुमला साबित हुआ। भाजपा ने जो भी वादा किया था, चाहे किसान से, चाहे छात्रों से, चाहे बेरोजगार नौजवानों से, चाहे छोटे मोटे व्यापारियों से, एक भी वादा, एक भी सपना उसका जमीन नहीं उतरा।